हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो भाई आज एक और ड्रैग रेस लेके आए आपके लिए, थार पेट्रोल 4x2 ऑटोमेटिक है भाई। ये अपनी फॉर्चुनर लेजेंडर भाई, ये अपनी ट्यून्ड लेजेंडर है, ये अपनी भाई स्टेज वन है। कितना बी एच पी थार में तेरी? 240 सेगमेंट की बात करें तो भाई सेगमेंट में दिन रात का फर्क है भाई। लेजेंडर के प्राइस में आपकी 2-3 थार आ जाएंगी, पर भाई है भाई थार पेट्रोल में पावर है, मैंने चला के देखी है भाई, जबरदस्त। पर ये स्टेज वन ट्यून है तो देखते हैं भाई 0-100 तक। तो मेरे को लग रहा है थोड़ी सी अगर इनिशियल में बात करोगे तो थार आगे निकल सकती है, लॉन्ग रेस में तो अपनी लेजेंडर निकल जाएगी, बाकी करके देखते हैं। चलो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपनी भाई ऑटोमेटिक, ये अपनी थार भाई, ये भी अपनी ऑटोमेटिक। तो भाई दोनों ऑटोमेटिक हैं, गियर लगाने की कोई झंझट है नहीं, तो फुल पोटेंशियल से चलेंगी। एसी ऑफ ही रखेंगे पहले राउंड में, ट्रैक्शन भी ऑफ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, मोड ट्रैक्शन ऑफ कर दो। ठीक है, ट्रैक्शन भी ऑफ, ऑफ रखना ऑन रखना, एसी तो ऑफ है। हाँ जी, फुल पोटेंशियल से चलते हैं, फुल पोटेंशियल से। चलो फॉर्च्यूनर में भाई पावर मोड, ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, ठीक है, डन। गाइस देख सकते हैं जैसे कि आप, फॉर्च्यूनर पीछे रह गई है लेकिन आ रही है, आ रही है, टर्बो किक इन करेगा 100 तक। हम फिर भी आगे हैं 100 तक भाई, ये आई गेस पहली रेस होने वाली है थार और ट्यून वन, स्टेज वन ट्यून फॉर्च्यूनर की। देखो अब 120 पे फॉर्च्यूनर आगे जा चुकी है, 120 पे निकली है, लेकिन अब ये क्लियर विनर है, अब ये नहीं आने देगी, अब तो नहीं आने देगी भाई। 140-150 होने वाली है गाड़ी, 150 कंडीशन थोड़ी स्लिपरी है तो हम ब्रेक ले लेते हैं पहले। I guess 120 पे क्रॉस कर दिया होगा, क्या रहा भाई ड्रैग में, आप बताओ। मेरे हिसाब से 120 तक हमारी गाड़ी आगे थी, फिर आपने एकदम टर्बो किक इन करते हुए आप ले गए। हाँ जी, 115 ड्रैग तो हम ही जीते हैं, ड्रैग तो देखिए, ड्रैग 0-100 वाली ड्रैग हम जीत चुके हैं, 0-100 वाली तो उसके बाद फॉर्चुनेट क्लियर विनर थी भाई। हाँ जी, ट्रैक्शन ऑफ या रोलिंग करें अभी, 3-2-1। इस बार ओ शिट, फॉर्च्यूनर के लॉन्च में कुछ गड़बड़ आई और बहुत गंदा झटका लिया गाड़ी ने, तो पूछ लेते हैं एक बार। उनका लॉन्च थोड़ा जल्दी हो गया था, लॉन्च उनका अच्छा रहा है, लेकिन थार मेरे को अब तो नहीं लगता ये कैच कर पाएगी, अब नहीं आ पाएगी भाई। कितनी गाड़ियों का गैप रहता है और गैप मेंटेन करना है हमें। 130 होने वाला है अभी, ज्यादा गाड़ियों का गैप नहीं है भाई, 2 गाड़ियों का गैप है मैक्सिमम, और बारिश भी होने लगी है। ब्रेक ले लेते हैं भाई, इस राउंड में भाई दोनों गाड़ियों को ट्रैक्शन ऑफ कर दिया, एसी भी ऑफ, फुल पोटेंशियल से ही भाई। ले गई भाई, थार ले गई, आगे है भाई, ऐसे कैसे, लेकिन पकड़ रही है, 90 पे आगे जाने लग रही है, 90 पे क्रॉस कर दिया है, 100 पे किया है भाई, क्लियर क्रॉस कर दिया भाई, 100 पे निकल गई भाई। वैसे ट्रैक की बात करोगे, इनिशियल की बात करोगे तो थार निकल गई थी 130, अब तो फॉर्च्यूनर क्लियर विनर है। हां, ब्रेक ही ले लिया भाई फॉर्च्यूनर वाले भाई ने, एक 140 पे हमने भी ले लिए ब्रेक। 0-90 में तो थार आगे है, 90 पे आगे थे हम। हाँ जी भाई, मैं कह रहा हूँ 100 तक टक्कर है। हाँ, उसके बाद निकल जाती है। फॉर्च्यूनर का भाई पावर भी ज्यादा है और इससे ज्यादा एरोडायनामिक, वेट रेशियो का फायदा हमें रहता है इस गाड़ी में, लेकिन हाँ यही है जो भी है, इंप्रेसिव बहुत ज्यादा है, वो तो है ही ना, वही तो वेट भी तो है, हमारा वेट कम है ना, तो हमारे को लाइक वी गेट द एडवांटेज, राइट, वेट का थोड़ा एडवांटेज है।20 की स्पीड पे आ गए हैं, 3-2-1 बजा दो भाई, और 3-2-1
रोलिंग रेस स्टार्ट हो चुकी है एंड वी कैन सी कि हमारी थार आगे जा रही है, पकड़ रही है, पकड़ रही है, पकड़ रही है। ये क्या हो रहा है, फॉर्च्यूनर को पकड़ रही है भाई थार। ये तो क्रेजी सीन हो गया भाई, थार आगे जाने जा रही है भाई, लेकिन अब फॉर्च्यूनर फिर आगे आ जाएगी एज यूजुअल, क्योंकि वो स्टेज वन ट्यून्ड है। 120 तक हमारी भाई आगे थी। तो भाई 3-4 राउंड करके देख लिए हमने। कंक्लूजन की बात करें तो भाई इनिशियल में 90-100 तक अपनी पेट्रोल थार आगे रहती थी भाई तीनों राउंड में। रोलिंग की बात करोगे, रोलिंग में भी अपनी पेट्रोल थार आगे थी, बाकी भाई स्टेज वन ट्यून अपनी फॉर्च्यूनर। तो भाई बाद में तो इसका इनिशियल और लॉन्ग रेस में तो भाई यही जीतनी है। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई, राम राम।